हाइब्रिडाइजेशन। एक पहले हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक देखो, स्टार्ट कैसे हुआ था ये नोट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ऑर्गेनिक में तुम अप्लाई कर रहे हो। ये होता क्या है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं CH4 की क्या शेप होनी चाहिए, CH4 की शेप क्या होनी चाहिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्टिंग होती है हाइब्रिडाइजेशन की। CH4 की, NH3 की, या फिर कह लो H2O की, H3O+ की, इन सबकी शेप क्या होनी चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा VBT, VBT पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप क्या होनी चाहिए, क्लियर। उनके अकॉर्डिंग इन सबकी शेप क्या होनी चाहिए। अगर मैंने तुमसे ये पूछा तो CH4 को अगर चेक करें, CH4 कार्बन है इसके अंदर, क्या कह रहे हो? सर AB3 AB3 क्या है? आरुषि बोल रही है? आरुषि सर, इसकी ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा शायद। नहीं, आरुषि टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, टेट्राहेड्रल शेप। अभी देखते हैं पहले VBT के अकॉर्डिंग क्या शेप बनती है इसकी। VBT के अकॉर्डिंग देखो, कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। कार्बन ये है 1s2 2s2 2p2, ये हो गया 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब इसमें शेप अगर हम चेक करें, क्योंकि सी के साथ चार एच हैं, सी के साथ चार एच हैं, तो चार एच यहाँ पे आएंगे, ये एक एच, 1s है ना, ये एक एच, ये दूसरा एच, ये तीसरा एच, ये चौथा एच। एच का तो क्या आएगा, 1s ऑर्बिटल, 1s 1s 1s। तो ये जब 1s और 2s, यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हुई 1s 2s की, एक ओवरलैपिंग हुई 2px और 1s की, एक हुई किसकी, 2py की और 1s की, और एक हुई 2pz और 1s की। अगर VBD के अकॉर्डिंग चेक करें तो उसकी शेप जो बननी चाहिए, देखो 2px, 2py और 2pz, ये तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं परपेंडिकुलर, ये तीनों ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसकी शेप जो आनी चाहिए इस तरीके से। ये तीनों परपेंडिकुलर ऑर्बिटल दिखा दिए मैंने, ये तीनों परपेंडिकुलर ऑर्बिटल दिखा दिए। तुम सोच पा रहे हो ये कॉर्नर है, बीच में यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तीन दिखा दिए, CH बॉन्ड विच आर एट 90 डिग्री, विच आर एट 90 डिग्री, विच आर एट 90 डिग्री। और चौथा जो बॉन्ड होगा CH बॉन्ड, जो चौथा CH बॉन्ड होगा वो है 2s और 1s का, जो कि नॉन डायरेक्शनल होगा। 2s और 1s का है जो कि क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल तो कहीं से भी आ सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है, मान लिया मैंने यहाँ से आया इस तरह से। तो जब तुमने देखा कि यहाँ पे एंगल तीन तो आ रहे हैं 90 डिग्री के, तीन आ रहे हैं 90 डिग्री के, और एक बॉन्ड कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि एस का जो और डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होती है वो नॉन डायरेक्शनल है, वो कहीं से भी आ सकता है इसलिए। तो ऐसा होना चाहिए था, यानी चारों की जो बॉन्ड एनर्जी भी है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए थी, हल्की बहुत डिफरेंट होनी चाहिए थी। लेकिन जब चेक किया गया ना, तो इन चारों की बॉन्ड लेंथ सेम आई, बॉन्ड एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम आई, बॉन्ड एनर्जी भी सेम आई, और सबका बॉन्ड एंगल भी, यानी इसके जो बॉन्ड पैरामीटर से वो अप्रोक्सीमेटली सेम थे, 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल आए। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि जो VBT वाला कंसेप्ट है CH4 की शेप बनाने का, ये गलत होगा, ये कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक होगी प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया। ये बात मेरी समझ आ गई यहां तक जो मैंने बोला अभी? यस सर। देखो सबसे पहले मैंने इसके अंदर किया क्या, मैंने कहा तुमसे CH4 की शेप ड्रॉ करो। अभी तक तुमने पढ़ा VBT, VBT के अकॉर्डिंग कार्बन जो है 1s2 2s2 2p2 होगा, 1s2 2s2 2p2 होगा, यानी 1s2 2s1, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो करना पड़ेगा ताकि कार्बन की वैलेंसी चार आ जाए और चार बॉन्ड बन सके एच के साथ, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने। अब इसमें जब ऑब्जर्व किया गया, अब तो ये 2s है कार्बन का, 1s किसका होगा, एक हाइड्रोजन का, चार हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो 1s एक हाइड्रोजन का, 2s और 1s का बॉन्ड बनेगा जो कि नॉन डायरेक्शनल होगा, 2px और 1s का बॉन्ड बनेगा, 2py 1s का बॉन्ड बनेगा, 2pz 1s का बॉन्ड बनेगा, जो कि क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये मैंने तीन बॉन्ड बना दिए, तीन बॉन्ड बना दिए कार्बन के साथ एच के, जो कि 90 डिग्री पे है, और एक बॉन्ड बनाया नॉन डायरेक्शनल। ऐसा होना चाहिए था कि तीन एंगल 90 डिग्री के निकलने चाहिए, लेकिन CH4 का जब शेप ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें चेक किया गया कि चारों के चारों बॉन्ड लेंथ जो है CH की वो सेम आई है एक तो, और एंगल जो है उसका टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का, 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल आया था इसका। तो फिर यहाँ से ये माना गया कि जो VBD का कंसेप्ट है, जो CH4 की शेप दे रहा है वो गलत है, जो CH4 की शेप दे रहा है वो गलत है।
तो CH4 की शेप ऐसे ही NH3 की शेप भी अगर हम चेक करें, NH3 की, NH3 में क्या है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. तो एक एच यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, NH3 है ना, H3 है, एक एच यहाँ पे आ गया, एक एच यहाँ आ गया, एक एच यहाँ आ गया. एच होता है 1s, एच होता है 1s, एच होता है 1s. तो 2px और 1s का बॉन्ड, 2py और 1s का बॉन्ड, 2pz और 1s का बॉन्ड. तो ये भी 90 डिग्री पे होने चाहिए, ये भी 90 डिग्री पे होने चाहिए, जो कि गलत आ गया, जो कि क्या आया, गलत आया कि 90 डिग्री पे नहीं थे ये तीनों, जो थे 160 डिग्री के आसपास के एंगल पे, 360 डिग्री के आसपास के एंगल पे थे, इसलिए इसको गलत मान लिया, इस कंसेप्ट को गलत मान लिया था. ऐसे H2O और ऐसे H3O प्लस, ये कंसेप्ट गलत हो गया था यहाँ से, इसलिए. फिर नया कंसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, इसमें क्या बोला गया, अब यहाँ से ध्यान सुनना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या बोला गया कि इसके अंदर कार्बन अगर है 1s2, 2s, इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड कर रहा हूँ डायरेक्ट, 2px1, 2py1, 2pz1, इन चारों ऑर्बिटल्स के अंदर, 2s के अंदर, 2p के अंदर, 2py के अंदर और 2pz के अंदर, 2s के अंदर, 2p के अंदर, 2px के अंदर, 2py के अंदर, 2pz के अंदर, इन तीनों के, चारों के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है, और इंटरमिक्सिंग उसी के अंदर होगी जिसकी अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी है. एक ही एटम के अंदर होने चाहिए चारों ऑर्बिटल्स, अगर हाइब्रिडेशन हो रही है तो एक ही एटम के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो 2s, 2px, 2py, 2pz, जिनकी लगभग सेम एनर्जी होगी, लगभग सेम शेप टाइप के होंगे, ये 2s, 2px, 2py और ये 2pz, ये चार ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, ये चार ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, तब मिलेंगे चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, चार ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, एक s और 3p, ये चार ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो चार मिलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ऐसे होता है, ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होता है, इस तरीके से, एक बड़ा लोब और एक साइड लोब, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, एक बड़ा लोब एक साइड लोब. तो इसमें चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, चारों की एनर्जी एक ही जैसी, चारों की एनर्जी एक ही जैसी होगी, इस तरह से शेप आएगी, ये याद करना तुम्हें, ये एक, ये दूसरा, ये 3D फिगर है, इसे तीसरा और ये चौथा, और सबका साइड लोब दिखाएंगे, ऊपर वाले का साइड लोब नीचे, इन दोनों का इधर और इसका इधर, समझ गए कि नहीं, ये साइड लोब दिखाने, ये साइड लोब दिखा दिए, और ये होंगे एट एन एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स, इतने एंगल पे होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स के एंगल. 3D फिगर है ये, ध्यान रखना चीज का, 3D फिगर है, इसमें CH4 की शेप अब ऐसे आएगी, ये मैंने कार्बन दिखा दिया, कार्बन का एक एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे, जैसे अगर चार अलग अलग पेंट बॉक्सेस हैं, चार अलग अलग कलर के पेंट बॉक्सेस हैं, मिक्स करेंगे तो एक ही कलर आएगा, क्वांटिटी उतनी मिलेगी, इसलिए चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मिक्स होंगे तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखना चीज का. रशिल कुछ पूछना है सर आपका, सर लेक्चर भेज दो सर आपकी, सर मेरी सर नेट की दिक्कत आ रही है सर, वॉइस ब्रेक. हाँ ले लियो, सही ना, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और एंगल कितना होगा इसका, 109 डिग्री 28 मिनट्स का. और अब इन चारों के साथ एस जो है, CH4 था ना, एच क्या होता है, 1s1, ये ओवरलैप करेगा, एच क्या है, 1s1, ये ओवरलैप करेगा एच, 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, वो तुम्हें दिख रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, ये है ना सब में, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन. अब एस आएगा, बॉन्डिंग कर ली, दूसरा ऐसा आया बॉन्डिंग कर ली, तीसरा ऐसा आया बॉन्डिंग कर ली, चौथा ऐसा आएगा बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरीके से. ये CH4 की शेप है एग्जैक्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू. और हम बनाते कैसे हैं, वेस्पर थ्योरी से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, एच 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 और ये एच, इस तरीके से, ये हम इस तरीके से शेप बनाते हैं. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है. और ध्यान रखना इसका एग्जैक्ट, अभी भी एग्जैक्ट शेप नहीं है, एग्जैक्ट शेप जो है ना इसकी ऐसे होती है, सी जैसे ये एच, ये एच, ये दोनों एक ही प्लेन पे, यानी स्क्रीन के ऊपर, सी के साथ ये दो एच सेम प्लेन में, एक स्क्रीन के ऊपर, एक एच जो होगा वो होगा तुम्हारी तरफ आता हुआ, जो मैंने दिखाया वेज पे, WEDGE वेज पे जो दिखाया ये तुम्हारी तरफ आता हुआ, और एक होगा डैश, यानी स्क्रीन से पीछे जाता हुआ, ये दूसरा एच,
समझ गए कि नहीं? ये 3D फिगर है, एंगल इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स का आएगा। 3D फिगर है ये, एंगल इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स का आएगा। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना, सर भूलना नहीं उसको भी। 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसका एंगल आएगा, चारों एंगल सेम होंगे इसमें। तब अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन नोट कर लेंगे पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है तुम्हें दिख रहा? मैं इसी को देख के बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें याद हो जाए। पेपर में डेफिनेशन ही आएगी इसकी। डेफिनेशन आती है इसके अंदर, पेपर के अंदर। डेफिनेशन क्या होगी? देखो, इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स का, सही ना? इंटरमिक्सिंग किसका है? ऑर्बिटल्स का, जिनकी अप्रोक्सीमेटली क्या है? सेम एनर्जी। तो नोट कर लेंगे एक बार। और बिलोंगिंग टू सेम एटम, ध्यान रखना एक ही एटम है कार्बन, जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो क्या? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी एंड शेप, हैविंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी एंड शेप, बिलोंगिंग टू द सेम एटम। क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स having approximately similar energy and shape belonging to the same atom leading to the formation of new set of identical hybridized orbitals intermixing of atomic orbitals having approximately similar energy and shape belonging to the same atom to form new set of identical hybridized orbitals अभी क्लियर हो गया कि नहीं? ये पेपर में डेफिनेशन जरूर आती है हर चीज का। डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये सबसे पहले झांकना, ये जो है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है ये, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। दूसरा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे और कितने बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे और कितने बने? 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने कि नहीं? Yes, sir. Number of hybrid orbitals is equal to number of combining atomic orbitals. ये लाइन याद रखना, number of hybrid orbitals is equal to number of combining atomic orbitals. Number of atomic orbitals. ये लाइन याद रखना, important है ये। तीसरा, ये endothermic process होता है, यानी इसको होने में heat absorb होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। क्लियर? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसके अंदर एक पॉइंट और लिखेंगे, इसमें हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, F.F, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड इवन वेकेंट ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, एंड इवन वेकेंट ऑर्बिटल्स कैन हाइब्रिडाइज चाहे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है,
फुलफिल्ड है या वेकेंट है, तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं. क्यों बोलो बोलो सर, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सकता है क्या? सेंट्रल एटम अगर एक है तो वही बनाएगा. देखो उसमें जैसे कार्बन था तो कार्बन नहीं बनाई, बाकी एच ने क्या बनाया, सिर्फ ओवरलैपिंग की. एच ने क्या किया, सिर्फ ओवरलैपिंग. अगर दो सेंट्रल एटम है दो भी कर सकते हैं, जैसे C2H6 में दो कार्बन है, C3H8 में तीन कार्बन है, क्लियर है कि नहीं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना सकते. बाकी अगर चांसेस मिलेगा, जैसे एच तो नहीं बनाएगा, एक ही है ना, 1s. हाँ जी. अब जैसे मैंने ले लिया Cl2F6, तो इसमें दोनों Cl बना सकते हैं. ओके सर. अब दूसरा क्या बोला मैंने, जो हाइब्रिडेशन है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, और वेकेंट ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड इवन वेकेंट ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन. हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड इवन वेकेंट ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन. चाहे वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो या वेकेंट है, तीनों के तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडेशन में. क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ क्या है, ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स. हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ, हाँ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, इसीलिए तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इट इज बिकॉज इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स. इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट सर, इसमें एक बार वेकेंट ऑर्बिटल का एक एग्जांपल दे दो. वेकेंट ऑर्बिटल का एग्जांपल जैसे ये ले लेते हैं ना, बोरोन B2H6 के अंदर. B2H6 में बोरोन क्या होता है, 1s2, 2s1, 2px1, 2PY1 और 2PZ क्या है, 0. तो ये इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होती है, इस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है. सही है अर्जुन? ओके सर. तो ये आगे आएगा धीरे धीरे ना, अभी तुम बस सिर्फ नोट कर लो. फुल फिल्ड वाले तो बहुत सारे केस हैं जो हाइब्रिडाइज करेंगे, जैसे अमोनिया के अंदर ही ले लो. अमोनियम NH3 में N का जो 2s है वो फुल फिल्ड होगा लेकिन पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन ओवरलैपिंग में सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं ओवरलैपिंग. फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिड और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे थानटनासी का. बस एक अकेला केस बेंजाइन के अंदर जिसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसके अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं. ये आगे पढ़ोगे तुम बेंजाइन के अंदर. हाँ बोल ध्रुव, कुछ बोलना, तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से. हाइब्रिडेशन sp2 समझ गए कि नहीं है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. एक्सेप्शन क्या है, बेंजाइन, जिसके अंदर क्या बनता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक पाई बॉन्ड बनाता है जो कि बहुत वीक होता है. समझ गए कि नहीं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ओनली एग्जांपल इन इज बेंजाइन इन विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म पाई बॉन्ड एंड दैट पाई बॉन्ड इज वेरी वीक बॉन्ड. पांचवी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट जो साइज है, डायरेक्शनल करेक्टिव. अच्छा ये भी लिख सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरली डू मोर ओवरलैपिंग. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू मोर ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग इनमें ज्यादा मानी जाती है. डू मोर ओवरलैपिंग. देखो अब नेक्स्ट है एनर्जी कह लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी यूज होगा ये. एनर्जी कह लो और साइज कह लो और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर होगा कि नहीं. एस कैरेक्टर, जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा उसकी एनर्जी तो कम होगी क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होते हैं. उसका साइज भी क्या होगा, छोटा होगा. एस कैरेक्टर ज्यादा, साइज छोटा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है. डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती नहीं एस ऑर्बिटल के अंदर. एस ऑर्बिटल के अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती नहीं. अगर मैं तुमसे बोलूं sp, sp2 और sp3 इसको अरेंज करो
एनर्जी में, साइज में और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में कर लोगे ना अरेंज, एसपी एसपी टू एसपी थ्री, इसको अरेंज करो साइज में, एनर्जी में और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या आंसर आएगा? 3, 2, 1 यही आंसर आ जाएगा सीधा, यही आंसर आ जाएगा ना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ ये, एस की एनर्जी सबसे कम, एसपी टू की एनर्जी, एसपी की एनर्जी ज्यादा, एसपी टू की एनर्जी और ज्यादा, जैसे जैसे पी बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ती जा रही है, एसपी थ्री की एनर्जी और ज्यादा और पी की एनर्जी सबसे ज्यादा, क्लियर है कि नहीं है? ये भूलना नहीं, मैंने ऑर्डरिंग में यूज किया है इसको, एस हाँ, एस की एनर्जी कम, एसपी की एनर्जी ज्यादा, एसपी टू की एनर्जी और ज्यादा, एसपी थ्री की एनर्जी ज्यादा, और जिसमें सिर्फ पी होगा उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये सारे फीचर्स पढ़ने हैं जरूर, नहीं तो समझ नहीं आएगा, आगे दिक्कत आएगी फिर इसमें। सेवंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है सर? सेवंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिखा ना मैंने, एनर्जी और साइज और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? एस कैरेक्टर के। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम ज्यादा डायरेक्शनल मानते हैं, ध्यान रखना। और पूछना किसी को कुछ? पूछना किसी को कुछ? नो सर। तो ये बस ये था पॉइंट्स इसके हैं, और हाइब्रिड और हाइब्रिडेशन जो है ज्योमेट्री को एक्सप्लेन तो करता है लेकिन इसका रीजन नहीं देता, इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं देता, एक्सप्लेन ज्योमेट्री बट नॉट इट्स एग्जैक्ट रीजन। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना पॉइंट्स, ये तुम्हें इसके अंदर ना सारा ध्यान रखना है बिल्कुल ढंग से। और अब इसकी जो शेप्स हैं, शेप्स जैसे मैंने बोला अभी अभी तुमने एक शेप बताई एसपी थ्री वाली, जैसे एसपी अगर है, एसपी में क्या होगा, एक एस और एक पी मिक्स होगा, मिक्स करके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और सेटल करेंगे कितने एंगल पे, जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो वह 180 डिग्री का। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां पे सेटल कर रहे हैं, 180 डिग्री के एंगल। तो एक एस और एक पी मिलेगा तो 180 डिग्री की शेप आ जाएगी, 180 डिग्री। ये भूलना नहीं है, दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर, दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि लीनियर शेप है और 180 डिग्री एंगल। दूसरा केस ये बना लेना तुम लोग, नहीं तो फिर समझ आने में दिक्कत आएगी। एसपी टू है मान लो, तो एक एस एक पी और एक दूसरा पी लेंगे कोई भी, जैसे पी वाई, एक एस और दो पी मिक्स होंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तीनों जाके सेटल होंगे 120 डिग्री के एंगल। ये रहा, साइड लोग जरूर दिखाना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये एसपी टू है, एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री का, 120 120 120। ये याद रखना, एक एस और दो पी मिक्स हो रहे हैं। अब ऐसे ही अगर एक एस और तीन पी मिक्स होंगे, जो मैंने तुम्हें करवा दिया है, एक एस और तीन पी, एक एस एक पी, पी वाई और ये पी जेड, ये तीन मिक्स होंगे तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं एक ही एटम के, तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे एट एन एंगल ऑफ 190 डिग्री 28 मिनट्स, इस तरीके से और एंगल कितना होगा, 190 डिग्री 28 मिनट्स, 190 डिग्री 28 मिनट्स। ये तीन शेप आप कर लेना एसपी में, जैसे ही मैं बोलूंगा कोई एटम एसपी हाइब्रिडाइज है, तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली शेप आ जानी चाहिए जिसमें दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, ये वाली शेप 180 डिग्री पे। मैं जैसे बोलता हूँ एटम एसपी टू हाइब्रिडाइज है, इमीडिएटली शेप आ जानी चाहिए। मैंने बोला एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है, इमीडिएटली शेप ही बन जानी चाहिए, ये जो कि नॉन प्लेनर शेप। साइड लोग जरूर दिखा देना, तो ये सेटल हो जाएंगे 190 डिग्री 28 मिनट। एक बार हैंड से करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट?
सर तो किसी भी एटम के हाइब्रिडाइजेशन उसके पी ऑर्बिटल को एक्स वाई और जेड में ब्रेक करके निकालता है। ब्रेक करके नहीं, वो तो मिक्स होने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं ना। ओके सर, गॉट इट। बैलेंस ही होनी चाहिए इसकी पूरी। ठीक है, देखो समझ नहीं आया ना, फिर दिक्कत आएगी आगे अगर किसको समझ नहीं आया तो। अभी समझ आया ध्रुव को, ध्रुव सोमानी को, नीलांश को, नवनिका को, नवीन को, अर्जुन को, वैभव, हिमांग, जिया, मयंक, प्रिया, हर्षित, निकिता, दृष्टि, भव्या, कृष, गर्व, सौम्या, डिम्पल, शिवम, सॉरी संयम और अंजलि, गर्व, पूर्वांश, ऋतिक, सिद्धि, ध्रुव और तिशा। तिशा इसके बाद रिदम, तान्या। अब आरुषि समझ नहीं आया क्या? आरुषि, हिमांशी और नयंत। आरुषि आप, ये मैंने तुम्हें बता दिया एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, ऐसे ही अगर। हाँ तिशा कुछ पूछना है? पीसीएल फाइव या पी ले लो, एसपी थ्री डी ऑपरेशन बता रहा हूँ मैं, एसपी थ्री डी, एक एस, तीन पी और एक डी होगा। फॉस्फोरस लिया एग्जाम्पल, वन एस टू, या इसमें तो डायरेक्ट बताइए मेरे को, नियॉन, थ्री एस टू, थ्री पी थ्री होता है। फॉस्फोरस क्या होता है? नियॉन, थ्री एस टू, थ्री पी थ्री, थ्री एस टू, ये थ्री एस ले लिया, थ्री पी, थ्री एस टू, थ्री पी थ्री। अगर तुम ये चेक करोगे तो इसमें हाइब्रिडेशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि हाइब्रिडेशन अगर फास्फोरस sp3d थ्री डी शो करता है, 3s ले लिया, 3p ले लिया, 3d वेकेंट होगा, 3d जैसे पांच ऑर्बिटल है वेकेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3s से अपना एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल के कहाँ पहुँचा देंगे, 3d में। तो 3s ये था इलेक्ट्रॉन आया मैंने ऐसे, ये 3p है, ये 3d, ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है और ये यहाँ पहुँचा दिया फॉस्फोरस की वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव अचीव कर दिए। अब 3s, 3p, 3d ये मिक्स होंगे टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स sp 3d, 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d। ये देखो ये मिक्स हो गए तीन, और ये इनके साइड लोब्स, और एक ऊपर और एक नीचे, ये ऊपर साइड लोब्स के, ये साइड लोब इसके, जानता है ये sp 3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप है। तीन एंगल इसमें 120 के होंगे, और दो एंगल क्या होंगे, दो एंगल ऊपर नीचे से तो कहीं देखें तो 190 90। इसको एक ट्रायंगल सोचना कि हवा में पड़ा हुआ है, एक ट्रायंगल हवा में पड़ा हुआ है इस तरीके से, एक ट्रायंगल हवा में पड़ा हुआ है, एक ऊपर है और एक नीचे इस तरीके से, ऐसे सोचना तुम्हें कुछ, समझ आ गई शेप की नहीं? ये तीन एक, देखो एक, ये तीन जो है एक प्लेन में, ये ऊपर की तरफ और ये यहां से नीचे की तरफ, sp 3d की शेप। डाउट तो नहीं किसी को? अब इसके अंदर d कौन सा, ये अच्छे क्वेश्चन क्या बनेंगे, मैं इसमें पूछूं d कौन सा वाला है वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, फिर dxy है, dyz है, dxz है, dx2y2 है या dz2, वो तुम्हें एक्सप्लेन करना है। ये sp 3d की शेप है, sp 3d की। और ऐसे अगर मैं कहूँ sp 3d2 की शेप क्या होगी, तो उसमें छह इक्विवेलेंट sp 3d ऑर्बिटल्स होंगे, sp 3d2 छह, जैसे सल्फर लिया मैंने, सल्फर होता है नियॉन, 3s2 3p 4, 3s 3p 3d, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देंगे sp 3d2 आ जाएगा। देखो 3s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया और एक 3p का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, sp 3d2, और ये छह ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जैसे sf6 में एग्जांपल, sf6 ये ऊपर ये नीचे, ये ले लिया। अब इसमें इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, इसके एस का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होंगे सारे एंगल, साइड लोब, साइड लोब, साइड लोब, साइड लोब, साइड लोब, और ये साइड, ये एस पी थ्री डी टू के छह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 90 डिग्री के एंगल। मैंने पांच शेप बताई तुम्हें, एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री, एस पी थ्री डी और एस पी थ्री डी टू। ये शेप जरूर कर लेना, दो दो बार बना के लाना कल होमवर्क में भी,
सही ना, कल होमवर्क में बना के लाना है इसको, ताकि मैं आगे वेस्पर थ्योरी कराऊं, तुमने पढ़ी हुई है मुझे पता है, मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊं तो तुम आंसर करो उसके अंदर। किसी को कोई डाउट पूछना है सर? इसमें डी ऑर्बिटल एक्सियल वाला होगा सर, ये कितना एंगल पे होती है? 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री पे। कल ये सब क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें, पर डी कौन से वाले हैं कोई बता सकता है इसके अंदर अभी? एक्सियल वाले, हां कोई भी बता दो ना इसमें, ये सारे एंगल 90 डिग्री पे होंगे, और डी कौन से वाले होंगे? चलो मैं कल ये सब एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें कि डी ऑर्बिटल कौन से इन्वॉल्व है, कौन सा प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है, अगर प्लेनर है तो कितने एटम सेम प्लेन में है, सारा एक्सप्लेन करूंगा कल मैं वेस्पर थ्योरी में, एंगल कितने हैं इसके कितने, सही ना, एंगल वगैरह सब कुछ। तो कल की ऑफलाइन क्लास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे को टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, उसमें तुम्हें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी के मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक रॉकेट, तीनों के एनसीईआरटी क्वेश्चन किए होने चाहिए। सिद्धि कुछ पूछना है? हाँ सिद्धि सही है, सही ना, वेडनेसडे तक होमवर्क जरूर कर लेना तीनों चैप्टर का, तीनों चैप्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा पूरा कि कौन अटेंड करेगा, क्योंकि अभी तो नवीन ने 11th क्लास में शायद हाईएस्ट स्कोर किया है 40 मार्क्स, सेकंड गर्व के हैं शायद, सही ना, तुम पढ़ के रखना जरूर, और कल भी होमवर्क करके लाना अपना, होमवर्क दिखाना जरूर, एनसीईआरटी जरूर करनी है सबको।